Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. आज मैं आपको लेके जा रही हूँ पेरिस के बहुत ही खूबसूरत सीन रिवर के क्रूज ट्रिप पे। हम बैठने वाले हैं इस क्रूज पे जो इस टाइम मेरे पीछे है। तो ये रहा टिकट काउंटर और इसके लिए भी डेफिनेटली टिकट्स है। तो टिकट हमने ले ली है जो कि 17 यूरोस ईच पर्सन है, किड्स अंडर 3 फ्री है। तो इरा हमारे साथ इस ट्रिप पे हर जगह फ्री 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 जा रही है ना, मजे की बात। एनीवेज जोक्स अपार्ट और चलते हैं हम बोर्डिंग की तरफ। ये क्रूज काफी बड़ी है और इसके दो पोर्शंस हैं, तो आप चाहें तो नीचे बैठ के भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, विच इज लाइक कवर्ड वन एरिया। लेकिन हम जा रहे हैं रूफ टॉप पर ताकि हम खूबसूरत रिवर सीन की ठंडी ठंडी हवा को फील कर सकें और पेरिस की खूबसूरती को सही मायनों में एंजॉय कर सकें। ये क्रूज ट्रिप 2 आवर्स का है जो कि स्टार्ट होता है आइकॉनिक ईफल टावर से और आपको लेके जाता है वर्ल्ड फेमस नोट्रे डेम कैथेड्रल तक, और इन बिटवीन बहुत सारे खूबसूरत फ्रेंच आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स हैं और ब्रिजेस भी। ये जो ईफल टावर के साइड में डूम शेप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है रशियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल, और इस तरफ जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये है दो पैलेस, ग्रैंड पैलेस एंड स्मॉल पैलेस, और ये एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल है बिकॉज दे आर मेड ऑफ ग्लास। रिवर सीन पेरिस का बहुत ही फेमस रिवर है और इसके बैंक पे काफी सारे इस तरह के कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बोट्स और शिप्स को ट्रांसफॉर्म करके बनाए गए हैं, जो कि मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगे हैं। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है और इसका नाम है पॉन अलेक्जेंडर हॉ, मीन्स अलेक्जेंडर 3। ये ब्रिज खूबसूरत तो है ही, लेकिन ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये शांज़ेलीज़े को ईफल टावर से कनेक्ट करता है, और ये आगे है फ्रांस की नेशनल असेंबली। आज वेदर भी काफी प्लेजेंट है और काफी धूप निकली हुई है जो कि यहाँ पर कम ही होता है। वैसे फ्रांस का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, मैं तो कहूंगी कि बहुत ही बेवफा मौसम है। कभी बहुत अच्छा सनी वेदर होता है और आफ्टर 5 मिनट्स एकदम बारिश स्टार्ट हो जाती है, सो इट्स लाइक यू कांट ट्रस्ट। इसलिए अगर आप हॉलीडेज पे आए तो अकॉर्डिंगली ड्रेसेस लेके आए। और ये एक और खूबसूरत रेस्टोरेंट आ गया, बस इनको देख के मेरा दिल कर रहा है इनको विजिट करने का। अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी ज़रूर हम जाएंगे। पेरिस दुनिया का मोस्ट विजिटेड कैपिटल है, तो यहाँ पर रोड्स पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, काफ़ी रश होता है, तो ये क्रूज ट्रिप बहुत ही नाइस आइडिया है पेरिस के आर्किटेक्चर को एडमायर करने का और ट्रैफिक और क्राउडेड एरिया से हटकर पीसफुल टाइम स्पेंड करने का। यह है फ्रांस का बहुत ही मशहूर म्यूजे दौसे। ये म्यूजियम फेमस है आर्ट एंड कल्चर के हवाले से। इसके अलावा एक और बहुत ही फेमस म्यूजियम है लूव, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये जो आप गुंबदनुमा बिल्डिंग देख रहे हैं ये है लेज इनवैलिड, और ये भी बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है यहाँ का। और अगेन ये साइड बाय साइड शिप्स आ गई जो कि ट्रांसफॉर्म हुई हुई हैं कैफेज और रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर कुछ प्राइवेट बोट्स भी हैं, तो अगर आप चाहें प्राइवेट ट्रिप लेना तो वो भी कर सकते हैं।
ये आ गया फेमस कैथेड्रल ऑफ नोट्रे डेम और इसके एजाज में सब लोग खड़े हो गए हैं. इनफैक्ट सब लोग फोटोग्राफ्स लेने के लिए खड़े हुए हैं ऑब्वियसली. ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है और बैक इन 2019 इसके कुछ हिस्से में आग लग गई थी तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है. और यहाँ पर मुझे ये बहुत ही मज़े की चीज़ नज़र आई है. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग भी है और इंटरटेनिंग भी. कुछ कपल्स यहाँ पर सालसा डांस कर रहे हैं. नेक्स्ट पोर्शन में ज़रा सीनियर कपल्स हैं तो वो आराम आराम से अपने अंदाज में डांस कर रहे हैं. अभी हम टर्न हो रहे हैं वापस ईफल टावर की तरफ जाने के लिए और दूसरी साइड पे जो कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो भी आपको दिखाते हैं. अभी वेदर भी काफ़ी चेंज हो गया है. ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो काफ़ी विंडी है और इरहा भी फुल ऑन एंजॉय कर रही है. ये जो बिल्डिंग आप अभी देख रहे हैं ये है जी लूव म्यूजियम. ये बिल्डिंग बाहर से जितनी अट्रैक्टिव है अंदर से उतनी ही खूबसूरत है. और इसके फेमस होने की एक और वजह है वर्ल्ड रेनाउंड मोनालिसा की पेंटिंग जिसको देखने के लिए हर साल बहुत सारे लोग आते हैं. उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना तो हरगिज़ ना भूलें. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.